हेलो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर कर रही हूँ पनीर मसाला की रेसिपी। ये पनीर मसाला एकदम ढाबा स्टाइल पनीर मसाले जैसा है। इसे आप रोटी या नान के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सबसे पहले मैंने यहाँ एक बाउल में पनीर के क्यूब्स लिए हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, नमक और हल्दी। अब हम इसे धीरे से टॉस कर लेंगे ताकि सारे मसाले अच्छे से इन पनीर क्यूब्स पे लग जाएं। अब हम इसे निकाल कर एक साइड में रख देंगे। यहाँ मैंने एक पैन को गरम कर लिया है। इसमें मैं बेसन को भून रही हूँ। बेसन को हम तब तक भूनेंगे जब तक बेसन के भुनने की एक अच्छी सी खुशबू आनी चालू नहीं हो जाती और इसका कलर थोड़ा सा चेंज नहीं हो जाता। ये अब हो गया है, इसे भी निकाल कर हम एक साइड में रख लेंगे। यहाँ पर मैं कसूरी मेथी को भी थोड़ा सा फ्राई करके ले रही हूँ। कसूरी मेथी को अगर इस तरह से भून करके डालते हैं तो इसकी खुशबू और भी अच्छी आती है। पैन में मैं थोड़ा तेल ले रही हूँ। इसमें मैंने एक चम्मच घी भी ऐड किया है। इसमें जो पनीर के क्यूब्स में हमने मसाले लगा के रखे थे उसे फ्राई कर लेंगे। इसे हम दोनों साइड से हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद पनीर को एक बाउल में निकाल लें जिसमें गर्म पानी हो। इससे पनीर सॉफ्ट बने रहते हैं। अब सेम पैन में मैं थोड़ा सा जीरा डाल रही हूँ। इसमें डालेंगे तेज पत्ता, दालचीनी, लवंग और हरी इलायची। इसे मैंने हल्का सा कूट लिया है ताकि जब हम इसे तेल में फ्राई करें तो ये फूटे ना। इसे हम एक मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी बारीक कटा प्याज। इस ग्रेवी को बनाने के लिए प्याज को थोड़ा बारीक काट के लें, बहुत ज़्यादा मोटा प्याज ना रखें। अब इसमें जाएगा लहसुन और अदरक। इसे हम प्याज के साथ मिक्स कर लेंगे और अब हमें इसे तब तक फ्राई करना है जब तक इनका कलर डार्क ब्राउन नहीं हो जाता। ये प्याज हमारे अच्छे से भुन गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर और जो बेसन हमने भून के रखा था वो भी इसमें डाल देंगे। अब इन सबको हमें मिक्स करना है और करीबन 2-3 मिनट तक इसी तरह से फ्राई करते रहेंगे। यहाँ हमारे मसाले अच्छे से भुन चुके हैं। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और नमक डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हम यहाँ 2-3 मिनट के लिए पका लेंगे। अब गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसमें हम दही ऐड करेंगे। दही डालने के बाद हमें इसे कंटिन्यूसली चलाते रहना है। यहाँ ग्रेवी से तेल निकलना चालू हो गया है, ये पैन पे बिल्कुल भी नहीं चिपक रही है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। यहाँ मैंने करीबन 1 कप पानी ऐड किया है। अब हम इसे ढक्कन लगाकर पकने के लिए 2-3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जब ये ग्रेवी अच्छे से पक जाएगी तो इसकी ऊपरी सतह पर तेल फ्लोट करना चालू कर देगा। अब इसमें हम हमारे पनीर के क्यूब्स को ऐड कर देंगे। इसे हम ग्रेवी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे ढक्कन लगाकर 2 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दें। अब इसमें गरम मसाला पाउडर डाल देंगे और साथ ही जो हमने कसूरी मेथी भून के रखी थी वो डाल देंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें और इसका ढक्कन लगाकर और 2 मिनट के लिए पका लें। बस अब हम फ्लेम को स्विच ऑफ कर देंगे। पनीर मसाला को रोटी या नान के साथ गर्मा गर्म परोसें। मैं यहाँ इसे कसूरी मेथी के साथ गार्निश कर रही हूँ। आप चाहें तो हरी धनिया के साथ भी इसे गार्निश कर सकते हैं। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इस रेसिपी को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।